हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लंदन इज़ ब्राइट एंड सनी और काफ़ी अच्छा मौसम है आज का। तो मैं अभी मोनल और प्रणय के साथ ही बैठा हूँ। अभी हमने नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम की बात करी थी, बट अभी मैं उनसे बात कर रहा था तो मेरे को कुछ इंस्टेंसेस के बारे में पता चला कि लंदन रात के टाइम थोड़ा सेफ नहीं होता है। तो अगर आप लंदन में ट्रैवल करने वाले हो दूसरी सिटीज से, या फिर आप लंदन में पहली बार आने वाले हो पढ़ने, या फिर आप लंदन में रहते हो बट आपको ये चीज़ नहीं पता, तो आपको कुछ इंस्टेंसेस प्रणय बताएंगे, आपको कुछ इंस्टेंसेस मोनल बताएंगे। उन चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना है। रात को लंदन में अकेले नहीं रहना, कुछ चीज़ें मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे वो जब पूरे इंस्टेंसेस बताएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड स्टे सेफ। एंड ऐसा नहीं होता कि आप बाहर आ रहे हो तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। हर जगहों पे कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती, तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छी चीज़ें भी मैं बताता हूँ, थोड़ी अच्छी चीज़ें जो नहीं होती वो भी कोशिश करता हूँ कि पता चले तो आपको बताऊँ। तो आज की वीडियो में आपको बताना है कि लंदन किस तरह से अनसेफ है एंड क्या क्या चीज़ों को आपको ख्याल रखना चाहिए। सो बैक टू मोनल एंड प्रणय अगेन। सो हाय गाइस, अगेन बैक टू अनदर व्लॉग। सो जैसे अभी ऋत्विक ने बोला कि दोनों साइड्स पता होनी चाहिए। सो जब हम लंदन आए तो अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंसेस मैं चीज़ें बताऊँगा। तो लंदन इज सेफ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, हाँ, इन डे टाइम इट्स सेफ। मीन्स अभी यू कैन ट्रैवल एंड द बेस्ट थिंग एक्चुअल, मतलब बोल सकता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट थिंग टू ट्रैवल रादर देन कैब्स। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसके बारे में भी बाद में बताऊँगा। बट हमने कैब्स ली है, कैब सेफ है, तो कोई पर्टिकुलर टाइम हो कैब आफ्टर, या मीन्स आफ्टर मिडनाइट इफ़ यू से यू आर ट्रैवलिंग बाय कैब एंड जैसे आप अच्छे वेल टू डू फैमिली से हो एंड यू वेयर लॉट्स ऑफ एक्सपेंसिव थिंग्स, मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स, एंड आप टू दो बजे या ढाई बजे ट्रैवल कर रहे हो रात में अकेले वो भी, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ऐसी सिचुएशन है तो आप बस लो, क्योंकि बसेस आर 24/7 रादर देन गोइंग बाय अलोन इन अ कैब आफ्टर मिडनाइट। तो जैसे अभी मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जैसे मेरा एक फ्रेंड था, ही देर इज़ वन एरिया इन सोहो, उसकी नाइट लाइफ भी पॉपुलर है इन लंदन की। जैसे इफ़ समवन, आप कभी भी लंदन आओगे किसी को पूछोगे नाइट लाइफ एंजॉय करनी है, दे विल फर्स्ट से गो टू सोहो। इट्स गुड प्लेस, बट उसके कॉन्स भी है, अदर साइड भी है जो कोई बताता नहीं है। हमें अभी चांस मिला है ऋत्विक के ब्लॉग के थ्रू बताने के लिए, हमें एक्सपीरियंसेस जो थे हमें पता चली है तो मैं शेयर करूँगा। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, वो गया था इन द फर्स्ट वीक ऑफ लंदन, जैसे वो लंदन आया वो फर्स्ट वीक ही गया। जैसे सब लोग पागल होते लंदन गए पार्टी करेंगे एंजॉय करेंगे, सही है करो, बट विथ टाइम लिमिट के हिसाब से। तो वो मिडनाइट लंदन गया था, उसको पब में एंट्री चाहिए थी, तो टू गाइस सडनली ऐसे रैंडमली वॉक करते उसे कॉन्टैक्ट किया। द पब वॉज फुल एक्चुअली, टिकट्स नहीं थी अवेलेबल, बट उन्होंने बोला या वी हैव टिकट्स, वी कैन सेल यू फॉर दैट। तो उसको चाहिए थी सिर्फ दो टिकट, बट उन्होंने बोला कि मेरे पास चार टिकट है तो चारों टिकट्स लेनी पड़ेगी। तो उसने उसको 100 pounds दिए फॉर प्राइस ऑफ 4, और उन्होंने कैश हाथ में लिया और उसको टिकट दी ऑन ए इंस्टेंस। बट उन्होंने क्या किया, आफ्टर 2 seconds उसको थोड़ा ऐसे, मतलब देवर लाइक टॉल यंग हट्टे कट्टे, वो उसने उन्होंने उसको ज़बरदस्ती करके उससे टिकट ले लिए कि हम तुझे टिकट नहीं देंगे, टिकट ले लिए, छीन लिए, एंड दे टुक हिज 100 pounds एज वेल एंड दे रन अवे। तो उसके मनी भी चले गए, बेसिकली वो करते वही है, बट उन्होंने वो चाल चली कि टिकट के एक्सचेंज में तुमसे, बेसिकली उन्होंने पैसे ही लूटा। एंड नेक्स्ट टाइम अगेन ही वेंट टू सोहो एट मिडनाइट, सेम लड़का, सेम गाय, अगेन ही वेंट टू सोहो नियर अबाउट 152 टू पार्टी एट अ नाइट क्लब। तो वो ही केम आउट फॉर स्मोक, ही वॉज हैविंग स्मोक, गाइज रैंडमली अप्रोच किया, कैन वी हैव अ सिगरेट और अ लाइटर फॉर लाइट, उसने दिया। तो उसके एक हाथ में फ़ोन था, एक हाथ में बॉक्स था, तो लाइटर कर रहा था, तो उसने उसको धक्का दिया, उसका फ़ोन खींचा, उसको नीचे गिराया, दे किक्ड हिम ट्वाइस थ्राइस और उसका फ़ोन लेके भाग गए। सो यही, ये दोनों एक्सपीरियंसेस एक ही लड़के के साथ, और ये दोनों सोहो में ही हुए, दोनों सोहो में ही हुए हैं। तो गाइज एक चीज़, सोहो में रात को अकेले थोड़ा ध्यान से अकेले मत ही रहो, बहुत लेट तक ना रहो, और ग्रुप में रहो अगर अकेले भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, ताकि आपके साथ कुछ लोग हों तो ऐसे कोई आपको अकेला समझ के अप्रोच ना करे। जैसे आप, जैसे ऋत्विक ने बोला वही, अगर आप
2 AM 3 AM रात को क्लब से बाहर निकल रहे हो तो rather go in a group. मतलब आप 5-6 लोगों का ग्रुप है तो कोई आपके आपको अटैक करने का सोचेगा नहीं या आपको अप्रोच करने का सोचेगा नहीं इन अ रॉन्ग सेंस. अपन 5-6 लोग हैं तो ये हैंडल कर लेंगे, बट इफ़ यू आर सिंगल बॉय विद अ गर्ल और दो लड़के तो आई विल सजेस्ट कि आप जल्दी जाए, एंजॉय करें नाइट लाइफ और जल्दी आ जाए प्रायर टू रादर दैन टू एक्सटेंड टिल अर्ली मॉर्निंग एंड बी सेफ. ओके ओके. और इसके अलावा अब जैसे कैब का मुझे बताया मोनल ने, तो मैं भी रात को पिछली बार जब फर्स्ट टाइम लंदन आया था तो ऑल तो ये मेरी थर्ड ट्रिप है लंदन में, बट जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तो मैं सिर्फ घूमने के पर्पस से आया था तो उस टाइम मेरे को रात को कुछ कैब्स लेनी पड़ी थी, लेकिन हम 3 लोगों का ग्रुप था. कैब ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा डिसेंट थे, कभी कोई दिक्कत नहीं आई एंड हम तीनों साथ में थे तो कभी किसी ने ऐसी कोई कोशिश भी नहीं करी. सो इट्स नॉट लाइक कि अकेले हो तो हमेशा होगा. देखो कुछ इंस्टेंसेस हो जाते हैं बट एक इंस्टेंस भी अगर होता है तो देखो बिवेयर, यू नीड टू बी बिवेयर, यू नीड टू बी अवेयर. तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है. उसके अलावा कोई एक्सपेंसिव चीज़ पहनने वाला कोई इंसिडेंट बताया था? तो जैसे मैंने एक एक्सपेंसिव मतलब बेसिकली अभी सोशल मीडिया पे तो सब आ जाता है न्यूज़ एंड ऑल पे, तो देयर वाज वन गाय हु केम आउट फ्रॉम एन वेरी हाई क्वालिटी डाइनिंग रेस्टोरेंट एट नाइट और अ पब यू कैन से, एंड वो बहुत अच्छी चीज़ें मतलब हिज क्लोथिंग एंड लाइफ स्टाइल वॉज अच्छी, यूज टू वेयर अ रोलेक्स एंड ऑल. तो ही वॉज अलोन तो उसने रात को कैब की टू गो टू हिज होम प्लेस, तो एज अ कैब ड्राइवर वो तो घर तक ही ले जाएगा. तो उसने वो लड़के को ड्रॉप किया उसके घर पे और कैब ड्राइवर के मतलब वो ही वॉज अ मेम्बर ऑफ अ गैंग बेसिकली, तो उसने उसके दो क्रू मेम्बर को बताया कि मतलब कि दो साथियों को बताया कि ऐसा ऐसा लड़का है, ऐसे ऐसी महंगी महंगी चीज़ें पहनी हैं और ये लोकेशन पे मैंने उसको ड्रॉप किया है. तो उसके दो साथी आए उसको लूटा मारा और उसकी रोलेक्स आई थिंक रोलेक्स ही थी, आई एम नॉट अवेयर पतिक फिलिप या रोलेक्स, क्योंकि आपको लंदन में आजकल क्राइम ऑन वॉचेस बढ़ते जा रहा है. इफ़ यू आर वेयरिंग टू एक्सपेंसिव वॉच इन लैक्स तो थोड़ा बी सेफ एंड रादर कोविड की वजह से ना, क्योंकि लॉकडाउन था तो जॉब वॉब चली गई थी लोगों की. ये एंड वॉचेस का मार्केट इफ़ यू आर अवेयर ऑफ एक्सपेंसिव वॉच मार्केट्स तो उसमें बहुत ज़्यादा रिटेल वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है, एंड इफ़ यू आर वेयरिंग अ वॉच वर्थ ऑफ लैक्स तो मैं तो बोलूँगा रात में पहनो ही ना आप. एंड तो उसकी वही मैं जैसे बता रहा था एक इंसिडेंट, तो उसको लूटा उन्होंने साथियों ने और उसकी वॉच लेके चले गए और ये टिप इंफॉर्मेशन दी थी कैब ड्राइवर ने. सो उसका वो डिसएडवांटेज हुआ, उसने मिडनाइट अकेला था, उसने कैब की उसको उसने सो ये हुआ उसके साथ विद द कैब एक्सपीरियंस जो मुझे पता है. ठीक है ठीक है. सो गाइज़ मेरे कैमरे में बैटरी थोड़ी कम है और मेन एक्सपीरियंस कवर हो गए हैं, तो कुल मिला के रात को सोहो और सिमिलर एरियाज़ में अकेले मत जाना एंड एक्सपेंसिव आइटम्स रात को बहुत ज़्यादा मत पहनना एंड ऑलवेज स्टे अलर्ट, यही मैं आपको बोलूँगा. और ये वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन एंड वीडियो को शेयर करो. मोनल और प्रणय का इंस्टाग्राम या लिंक्डइन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इन केस आपको उनको रीच आउट करना तो करो, बट बोथ ऑफ देम आर वेरी बिजी विद देयर यूनिवर्सिटी एंड पार्ट टाइम जॉब रिलेटेड वर्क. तो अगर वो उनको टाइम मिलेगा तो करेंगे रिप्लाई, नहीं तो जस्ट फॉलो देम एंड उनके पोस्ट वोस्ट. हाँ करेंगे रिप्लाई कह रहे हैं, नहीं तो उनके पोस्ट वगैरह भी फॉलो करोगे तो यहाँ की लाइफ के बारे में आपको चीज़ें पता चलती हैं. और अभी एक फटाफट से लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो मैं उस पर जम करूँगा जिसमें मैं यूनिवर्सिटी ऑफ किंगस्टन में डेटा साइंस प्रोग्राम के बारे में बात करूँगा. ठीक है तो उस वीडियो पे आते हैं, नेक्स्ट वीडियो वो होगी. सो आई एम गोना अपलोड दैट, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, गुड लक, बाय.